मनीष कश्यप जी ने उसको जो शेयर कर दिया ट्विटर के माध्यम से कि देख लीजिए, मनीष कश्यप को नहीं कह सकते हैं क्योंकि अगर उसमें डिस्क्लेमर लिखा रहता तो कहीं ना कहीं वो शेयर नहीं करते। जैसे तमिलनाडु में जो बिहारी मजदूरों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ठीक है, उसको एक नाट रूपांतरण देने के लिए वहाँ पर वीडियो शूट हुआ। हम एक्टिंग किया हूँ इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट किसी और ने लिखा है और शायद किसी दूसरे के निर्देशा अनुसार वो वीडियो बनी है। मनीष कश्यप से मैं पर्सनली नहीं मिला हूँ और ऐसे फील्ड में कई बार देखा हूँ कि मनीष कश्यप के गैंग वाले लोग हैं, आप लोग मनीष कश्यप के संपर्क में हैं और मनीष कश्यप के कहने पर आपने वीडियो शूट किया। ये सब धूर्त आदमी ने सारा कुछ काम कर करके उसको न्यूज़ की तरह चला करके आज हमें परेशानी में डाल दिया। अच्छा, आदमी ने ये वीडियो बनाया है, उसने शुरू से अपनी पहचान, शुरू से अपना नाम गलत बताया। तो जो शूट किया गया था वो कहीं ना कहीं एक नाट्य रूपांतरण था, जिसको कि जिस न्यूज़ ने उसको चला दिया एक न्यूज़ के फॉर्मेट में, ठीक है, बिना डिस्क्लेमर लिखे। एक पत्रकार का काम होता है कि सरकार के ऊपर अलग अलग एंगल से कटाक्ष करना। ऐसे ही एक पत्रकार का मामला है जब मनीष कश्यप प्रकरण में जब दो राज्यों के बीच में लड़ाई झगड़े का खबर चल के आ रहा था तो काफ़ी बवाल हुआ, उसमें मनीष कश्यप को जेल हुई, तमिलनाडु से फिर बिहार लाया गया। ऐसे में यही एक पत्रकार हैं जो जिन्होंने माथे पर पट्टी बांध करके एक कहा जा रहा था कि फर्जी वीडियो चलाया गया है, मनीष कश्यप के कहने पर चलाया गया है। इन सभी मामलों पर ऐसा कहा जा रहा था कि ये एक स्क्रिप्टेड वीडियो जो तमिलनाडु से चल करके बिहार आया है और वो वीडियो बिहार में ही शूट किया गया था और ये बताया जा रहा था कि ये वीडियो तमिलनाडु का है, पर उसका वास्तविकता कुछ और है और वो वास्तविकता ये है कि एक पत्रकार ने ही उस पूरे वीडियो में एक नाट्य रूप में शूट किया गया था ताकि सरकार के ऊपर कटाक्ष किया जा सके, ऐसा एक पत्रकार का कहना है। वो पेशे से भी पत्रकार है, हम इनसे बात करेंगे। आ जाइए जरा सा, क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मेरा नाम है अनिल यादव। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं जिस तरह से बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं उस तरह से मैं भी अपने यूट्यूब चैनल जनता प्लस न्यूज़ कवरेज करता हूं और वो हर तमाम चीज़ें जनता की आवाज़ सरकार तक, सरकार की आवाज़ जनता अच्छा, तक ये करने का काम करता हूं। अच्छा, ये बताइए जो शूट किया गया था वीडियो किसके साथ शूट किए थे और क्या बोल करके शूट किया गया था? देखिए, वो जो शूट किया गया था वो कहीं ना कहीं एक नाट्य रूपांतरण था, जिसको कि जिस न्यूज़ ने उसको चला दिया एक न्यूज़ के फॉर्मेट में, ठीक है, बिना डिस्क्लेमर लिखे, उसने पहली गलती करी। और दूसरी बात है कि जो मनीष कश्यप जी ने उसको जो शेयर कर दिया ट्विटर के माध्यम से कि देख लीजिए, मनीष कश्यप को नहीं कह सकते हैं क्योंकि अगर उसमें डिस्क्लेमर लिखा रहता तो कहीं ना कहीं वो शेयर नहीं करते। बिना डिस्क्लेमर को एक नाट्य रूपांतरण का जो वीडियो है एक फर्जी के द्वारा जो शेयर कर दिया गया और जिस आदमी ने ये वीडियो बनाया है उसने शुरू से अपनी पहचान, शुरू से अपना नाम गलत बताया है। उसका नाम भी गलत था, जब हमको जब बाद में पता चला केस मुकदमा हुआ तो हमको पता चला उसका नाम भी गलत है और उस गलत आदमी ने, धूर्त आदमी ने सारा कुछ काम ये कर करके उसको न्यूज़ की तरह चला करके आज हमें परेशानी में डाल दिया। अच्छा, आप इससे पहले जो आप नाट्य रूपांतरण किए थे, इससे पहले सरकार के ऊपर कटाक्ष करने के लिए या फिर समाज में और भी कुरीतियों को कटाक्ष करने के लिए क्या आपने कोई नाट्य रूप वीडियो बनाया था? देखिए, कई बार ये जब बेरोजगारी का जो मुद्दा जब बहुत बिहार पूरा भारत में जब चरम सीमा पर थी तो उसमें हम मोदी जी पे कटाक्ष किए थे, बाकी हमारे जो और भी लोकल नेता लीडर हैं सबके पर हम कटाक्ष करते हैं और ये नाट्य रूप में कटाक्ष करते हैं और ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से हमारे समाज में जो बहुत सारी कुरीतियाँ चल रही है उस पर एक प्रहार करना है। और मैटर और मसला वही था यहाँ पर भी कि जिस तरह से तमिलनाडु में जो बिहारी मजदूरों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ठीक है, उसको एक नाट्य रूपांतरण देने के लिए वहाँ पर वीडियो शूट हुआ, ठीक है, जिसने शूट किया, जिस चैनल वाले ने, लेकिन उसको उसने एक न्यूज़ के माध्यम से उसको चला दिया। अच्छा, यही गलती हुई। यानी जिसके साथ आपने शूट किया था आप उसे कितने टाइम से जानते थे और क्या बातचीत होकर के? देखिए, वो जिस तरह से फील्ड में काम करते करते कुछ लोगों से दोस्ती होती है और उससे भी दोस्ती हुई थी और यहाँ पर जब पटना जंक्शन पे शूटिंग हो रहा था न्यूज़ वगैरह के लिए तो यहाँ से ही सारा कुछ उसने अपना प्लान बनाया और सब कुछ चीज़ें वो अपने रूम में जाकर के वो सारे किया। सिर्फ वो जो नाट्य रूपांतरण है और भी कई लोग किए हैं, ठीक है, उसमें जैसे और भी कई लोग किए हैं जिसमें कि दो मेरा और एक लड़का का और उसमें वीडियो में चला दिया गया है जिसमें कि ये कह दिया गया कि यही है हकीकत
लेकिन वो हकीकत नहीं था, वो नाट्य रूपांतरण, नाट्य रूपांतरण था। जिस तरह से कोई भी वास्तविक घटना है, चाहे पुलवामा है, चाहे गोधरा कांड है, चाहे भी बहुत सारे ऐसे, जैसे कि मान लीजिए अभी कुछ कांड होता है तो उस पर फिल्म डायरेक्टर फिल्म बनाते हैं उसको समाज में दिखाने के लिए, तो वही चीज़ था। लेकिन उसने एक न्यूज़ के माध्यम से चलाया जिसका कि शिकार और परेशान में आज काफ़ी हूँ। उसके बाद आपसे कोई संपर्क किया वो चैनल चलाने वाला, वीडियो नहीं? नहीं, इसके बाद नहीं, उसने संपर्क किया और हम संपर्क साधने का प्रयास भी किए तो सारा उसका नंबर वगैरह बंद हो चुका था। और मैं अब आज उसका पूरा एड्रेस पता खोजने का प्रयास किए हैं, मिल चुका है, आज हम उसका घर भी जाएंगे और हम अब यहाँ पर देख सकते हैं हाईकोर्ट के ठीक सामने हैं और हाईकोर्ट के शरण में हैं। भारत का संविधान, बिहार के संविधान पर भरोसा है, शासन प्रशासन बाकी और भी जो इस केस इस मसले को देख रहे हैं सब पे भरोसा है। और सबसे एक गुजारिश भी है कि एक बार निष्पक्ष और एक बार पुनः तरीके से जांच किया जाए, ठीक है। जिस तरह से हमको फर्जी और कुछ धूर्त लोगों ने फंसा दिया गया है और इस पे जांच करके यही में अब क्या कहते हैं, जिस तरह से हम निर्दोष हैं वो निर्दोष साबित करने का हमको अभी तक वो जगह ही नहीं मिला था। आपके ऊपर कौन कौन सी धारा लगाई गई है? धाराएँ बहुत धाराएँ हैं, धाराएँ तो याद नहीं है लेकिन धाराएँ हैं, है ना। अभी तक गिरफ्तारी हुई आपकी एक बार भी? नहीं नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई है। और रही जहाँ तक बात है गिरफ्तारी की, ठीक है, तो जिस दिन हमको बुलावा आएगा हम तैयार हैं और कहीं भागी भी नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर राजद कार्यालय के सामने है। अच्छा, एक आरोप लगाया जा रहा था कि मनीष कश्यप के गैंग वाले लोग हैं, आप लोग मनीष कश्यप के संपर्क में हैं और मनीष कश्यप के कहने पर आपने वीडियो शूट किया। नहीं, ये सब बिल्कुल ही बेबुनियाद है, फर्जी है बातें। देखिए इस तरह से आज के डेट में क्या कह सकते हैं, झूठी बात इतनी ज़बरदस्त तरीके से फैलाई जा रही है, ये झूठी बात है। और जहाँ तक है मनीष कश्यप से, ठीक है, मनीष कश्यप से मैं पर्सनली नहीं मिला हूँ और ऐसे फील्ड में कई बार देखा हूँ और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना तो एक पत्रकार का जो काम है, ठीक है, हम और आप अभी जिसकी बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप हमारे दोस्त हैं तो आपका हर बात को हम मान लें, हो सकता है क्या? आप दोस्त हैं लेकिन अगर दोस्त से परे अगर पत्रकारिता पर अगर देखा जाए तो आप मेरे दोस्त हैं, अगर आप गलत हैं तो गलत हैं, आप सही हैं तो सही हैं, तो किसी ने कहा नहीं है। और वो जो वीडियो जिसने बनाया है, ठीक है, मैं अगर वहाँ पर नहीं, मैं उसका स्क्रिप्ट लिखा हूँ, उसमें मैं हम एक्टिंग किया हूँ, इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट किसी और ने लिखा है और सारे किसी दूसरे के निर्देशानुसार वो वीडियो बनी है और उसका गलत परिणाम, गलत तरीके से चलाने का गलत परिणाम हम पे आज हम भुगत रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल यादव है। अनिल यादव है, ये भी अपना चैनल चलाते थे और ये खबर चल रही थी कि मनीष कश्यप के कहने पर वो वीडियो शूट किया गया था जो कि बिहार के मजदूरों पर तमिलनाडु के लोग ने हमला किया था और उसको जख्मी कर दिया गया था। और ये कहा जा रहा था कि मनीष कश्यप के कहने पर उनके गुर्गों ने ये वीडियो शूट किया था, ये सरासर निराधार है ऐसा कहना है अनिल यादव का, जो खुद उस नाट्य रूपांतरण का पात्र रह चुके हैं। और कई पत्रकारों का ऐसा काम रहता है कि नाट्य रूपांतरण दे करके सरकार के ऊपर कटाक्ष करना, समाज में हो रही बहुत सारी कुरीतियों के ऊपर कटाक्ष करना, ये होता रहता है। अलग अलग एंगल से न्यूज़ को जनता के बीच में परोसते हैं पर उस न्यूज़ को मनीष कश्यप के पेज के द्वारा, मनीष कश्यप उस न्यूज़ को आधार मान करके ये खबर चलाया कि पूरे बिहार और तमिलनाडु के जो लोग हैं वो आपस में बैर रख रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है और बिहारी मजदूरों को भगाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, बिहारी मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है, इस तरह की खबरें चली और मनीष कश्यप को उस मामले में अभी जेल जाना भी पड़ा। बहरहाल पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें जोहार हिंद के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।